हेलो फ्रेंड्स, सोडा मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2023 की सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली मशीनें सोडा मशीन ने लॉन्च कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज बताऊंगा सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन जिसका नाम है मिस्टर सॉफ्ट। ये मॉडल नेम की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन सोडा मशीन ने लॉन्च की है, जिसे अपडेट वर्जन दिया है 2023 का। काफ़ी अलग अलग इसके अंदर अपडेशन दिए हुए हैं। और ये जो सॉफ्टी आइसक्रीम है, इसके अंदर कॉम्प्रेसर की क्वालिटी काफ़ी अलग चेंजेस की हुई है कंपनी ने, और काफ़ी चेंजेस किए हुए। तो आप वीडियो में अंत तक पूरे जुड़े रहिए, मैं आपको इसके अंदर आइसक्रीम बना के बताऊंगा, आइसक्रीम के कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेमी टच स्क्रीन वाला मॉडल है मिस्टर सॉफ्ट। यहाँ पे पूरा हमने ब्लैक पियागो फिनिश में गोल्ड बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे शो दिया गया है। ये 2023 का लेटेस्ट अपडेट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका टच पैनल दिया गया है और यहाँ पे 3 टैब दिए गए हैं। इसके अंदर से अलग अलग आपको सॉफ्टी निकलेगा, यहाँ से 2 मिक्स सॉफ्टी निकलेगा और यहाँ पे रेम्बो दिया गया, रेम्बो सिस्टम है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मार्ट आई लव माई इंडिया 2023 ए प्रोडक्ट बाय वीआर सोडा मशीन, क्योंकि ये प्रोडक्ट और डिज़ाइन वीआर सोडा मशीन की है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमने डिज़ाइन बनाई हुई है। और ये मशीन में आगे की साइड में यहाँ पे ये पीवीसी प्लास्टिक का बनाया गया है और ये हार्ड प्लास्टिक है। अगर इसके ऊपर से कोई भी आप हेवी चीज़ भी इसको मारेंगे करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये आगे की जो बॉडी है इसका आपको 10 साल का गारंटी मिलेगा फ्रेंड्स, 10 साल का गारंटी मिलेगा। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी क्वालिटी वर्जन चीज़ यूज़ किया है। ये स्टील से भी महंगा है, स्टेनलेस स्टील से भी ब्लैक पियागो फिनिश महंगा है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा क्वालिटी वर्जन चीज़ इसके अंदर यूज़ किया है, जहाँ पे जो चीज़ का यूजिंग करना है वहाँ पे हमने वो चीज़ को यूजिंग किया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो चैम्बर का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा ब्लैक पियागो फिनिश में दिया गया है। पूरा एकदम हार्ड मेटल के अंदर, हार्ड मटेरियल के अंदर इसे बनाया गया है। इसके चक्के वगैरह काफ़ी अच्छे मजबूत क्वालिटी में बनाया गया है, ताकि मशीन जो आप परचेस करते हैं उसका क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा, तो आप उसे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पैनल दिया गया सेमी टच स्क्रीन दिया गया, फुल टच स्क्रीन अगर हम देते तो ये काम करने में, रफ एंड टफ काम करने में बंदे इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इसको सेमी टच दिया है। कैसे ऑपरेट होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पूरा आगे का जो लुक है वो पूरा अलग टाइप का कंपनी ने लुक दिया गया है। यहाँ पे पाउडर कोटेड पूरा स्टील दिया गया है, जहाँ पे स्टील की ज़रूरत है वहाँ पे मशीन में स्टील यूज़ किया गया है कंपनी ने। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील 1.25 का स्टेनलेस स्टील दिया गया, 304 6 लीटर के 2 हुपर दिए गए। आप देख सकते हैं 6 लीटर के 2 हुपर यहाँ पे दिए। और यहाँ पे आपको सिरप के लिए जो रेम्बो सिरप आप करेंगे, जैसे रूह अफ़ज़ा है, कोई भी आप रेम्बो सिरप कर सकते हैं यहाँ से, चॉकलेट वगैरह का है, मैंगो वगैरह का, स्ट्रॉबेरी का है, तो उनके लिए 2 बाउल दिए गए, जो आइसक्रीम है उनके ऊपर रिम्पल होके आएगा। ठीक है, आप मशीन का बैक साइड देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा कंपनी ने फिनिशिंग से यहाँ पे वर्क किया हुआ है। 2023 का बेस्ट, सबसे द बेस्ट आइसक्रीम मशीन जो है उसका क्वालिटी वर्जन चीज़ आपको दिख जाता है। आप देख सकते हैं, मैं मशीन आपको खोल के भी फ्रेंड्स पूरा बता दूंगा। अभी आप देख सकते हैं बैक साइड में भी यहाँ पे ब्लैक पियागो फिनिश का यूज़ किया गया है, कितनी अच्छी क्वालिटी वर्जन चीज़ है। देखिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज़ नहीं किया गया, जहाँ पे मशीन का लुक बढ़ता है वहाँ पे सारी चीज़ हमने बढ़ा दी, और जहाँ पे क्वालिटी चाहिए वहाँ पे क्वालिटी दिया है। हम अभी मशीन के अंदर फ्लेवर बना के लोड करेंगे। हमने अभी अमूल का मिल्क ले लिया, दूध ले लिया है। एक्चुअल में 4 लीटर दूध चाहिए, एक टैंक में हम 4 लीटर दूध और 1 kg पाउडर डालते हैं। हमें थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाना है, तो हम 2 लीटर दूध के अंदर 500 ग्राम पाउडर डालेंगे और एक ऊपर में डालेंगे बटर स्कॉच का आइसक्रीम और एक ऊपर में रखेंगे हम स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम। बहुत ही आसान इसका मेथड है बनाने का, एक 5 मिनट के अंदर आइसक्रीम का आप प्रीमिक्स रेडी कर सकते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर मशीन कूलिंग दे देगा और आइसक्रीम बन जाएगा। मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आपका आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 2 लीटर दूध डाल दिया है और अभी हम इसके अंदर बटर स्कॉच का पाउडर डाल देंगे। बहुत ही आसान है, ना ही तो इसके अंदर शक्कर डालना है और ना ही और कोई चीज़ रखना है। काफ़ी इंस्टेंट इसके अंदर से रेडी होके अभी प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा इसका। इसको जितना हम बेहतर तरीके से घोलेंगे उतना आइसक्रीम का क्वालिटी अच्छा बनेगा।
काफ़ी अच्छा इसका स्माइल आ रहा है। इसके अंदर हमें किसी भी तरह का एसेंस नहीं डालना है, किसी भी तरह का स्माइल के लिए हमें कोई इसके अंदर फ्लेवर नहीं डालना है, क्योंकि फ्लेवर सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडिंग है। आप देख सकते हैं हम इसमें पहले ऊपर के अंदर अभी बटर स्कॉच का फ्लेवर लोड करते हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रॉबेरी के लिए हम मिल्क डाल रहे हैं, 1 लीटर मिल्क डाल दिया और 1 लीटर डाल रहे हैं, 2 लीटर मिल्क डाल दिया, 500 ग्राम हम इसके अंदर प्रीमिक्स पाउडर डालेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडिंग रहती है, पाउडर कहाँ से खरीदना है, आइसक्रीम कैसे बनाना है, उसका सारा ट्रेनिंग हमारी कंपनी देती है आपको। और मशीन के साथ में एक ऐसा ग्राइंडर भी देगी कंपनी। काफ़ी आसान तरीके से हमने इस स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर बना दिया है। अभी हम मशीन के अंदर लोड करेंगे इसे। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का काफ़ी बढ़िया प्रीमिक्स रेडी हो गया है। हम इसके अंदर प्रीमिक्स रखेंगे, डालेंगे। एक साइड हमने बटर स्कॉच का प्रीमिक्स डाल दिया और एक साइड हमने स्ट्रॉबेरी का प्रीमिक्स रख दिया है। जैसे 1 लीटर मिल्क के अंदर आपको 25 से 30 कोन बनेंगे, 40 ml के। अभी हमारा ये जो मॉडल है 2023 का और एकदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मॉडल है, इसके अंदर हमने एक चीज़ अलग दी हुई है, जिसके अंदर जो पंप रहता है अंदर की ओर, आप देख सकते हैं मैंने पंप स्टार्ट कर दिया है। 2023 के मॉडल में यही फ़ायदा है कि हमने इसमें एक पंप दिया गया है जो ग्रेविटी मशीन की डबल करता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मशीन पूरा ऑफ है फिर भी मशीन ग्रेविटी कर रहा है। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो में बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन पैनल पूरा बंद है फिर भी ये ग्रेविटी कर रहा है। ये 2023 के मॉडल की स्मार्ट मशीन की यही खासियत है मिस्टर सॉफ्ट मशीन की। हमने ग्रेविटी बटन, आप देख सकते हैं अभी मैं ऑफ़ करूँगा तो ग्रेविटी ऑफ हो जाएगी। ये ग्रेविटी इसका जो आइसक्रीम का जो सॉफ्टी आइसक्रीम का जो सॉफ्टनेस रहता है वो ग्रेविटी से आता है। आप देख सकते हैं कितना झाग हो गया। अभी मैंने ऑफ़ कर दिया है, मैं फिर से एक बार पंप स्टार्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं ये पंप की ही जो है मेन सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में बात रहती है कि जितना आइसक्रीम सॉफ्ट रहेगा, जितना आइसक्रीम में एयर ज़्यादा रहेगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये जो मॉडल है इसके अंदर आपको 30 से 35 कोन बनेंगे, जो हमारा नॉर्मल मॉडल था उसके अंदर 25 से 30 कोन बनते हैं। अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन को। ये मैंने आपके सामने कंटिन्यू वीडियो रख के स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं मशीन को अभी हम ऑटो मोड में रखेंगे, सेमी टच स्क्रीन है ये, हमने ऑटो मोड पे डाल दिया। अभी इसके अंदर हार्डनेस हमने 4 रखी हुई है, अभी हम हार्डनेस इसको बढ़ा भी सकते हैं जैसे सेट का ऑप्शन करके। 0.6 की यहाँ पे हार्डनेस है, हम इनको एक बार पुश करेंगे तो ब्लाइंड होने लगेगा। जैसे ये ब्लाइंड होता है ब्लाइंड होने के बाद ये आपका जो भी ऑप्शन अप करेंगे, कमांड करेंगे वो ऑन करेगा। अभी हम इसको 5 डिग्री तक ले जाएंगे हार्डनेस, ठीक है। 5 डिग्री काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर हर्शीज कंपनी का चॉकलेट डालेंगे जो रिम्पल होकर बाहर आएगा, आप देख सकते हैं। दोनों बाउल में डालेंगे हम। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाजवाब और बढ़िया रहता है। ये कौन फ्रेंड्स आप 30 रुपये में 40 रुपये में भी बेच सकते हैं रिम्पल वाला। और ये इस तरह से इसका कैप बंद कर देना है और आप देख सकते हैं जस्ट कुछ ही मिनटों में मैंने मशीन स्टार्ट करने पे आप देख सकते हैं कितना ग्रेविटी हो गया इसके अंदर, कितना फूल गया है। मेन जो चीज़ है ये फूलने का कारण है। ये 2023 के मशीन की यही खासियत है कि इसके अंदर हमने क्वालिटी वर्जन सारी चीज़ें यूज़ की है, एक्स्ट्रा पंप दिया है। अभी मैं पंप का ऑप्शन बंद कर दूंगा, आप देख सकते हैं ग्रेविटी ऑप्शन बंद हो गया। ऑटो मोड पे भी ग्रेविटी ऑप्शन है इसके अंदर साथ में। अभी हम ऑटो मोड पे चालू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटो मोड पे ग्रेविटी कैसे करते हैं। ये पफ का ऑप्शन है, ये अभी हम ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ऑटो मोड पे जो ग्रेविटी होती है नॉर्मल मशीन में ये टाइप की होती है, यानी आप देख सकते हो नॉर्मल ग्रेविटी होती है। अभी हम इसको एक्स्ट्रा बूस्ट करेंगे, ये एक्स्ट्रा बूस्ट हमने स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं चालू वीडियो में मैंने आपको दिखा एक्स्ट्रा बूस्ट का पावर और पिकअप, आप देख सकते हैं।
तो 2023 की मशीन में हमने डिफरेंट किया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सबसे बेस्ट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, सॉफ्टी वेंडिंग मशीन आप देख सकते हैं। आइसक्रीम की मशीन में मिस्टर सॉफ्ट करके कंपनी ने ब्रांडिंग किया हुआ है। 2023 की मशीन में काफ़ी अच्छा ब्लैक पिया को फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग है मिस्टर सॉफ्ट, सो सो गुड सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन। यहाँ पे टच पैनल दिया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2+1 का ये चैम्बर दिया गया है। आई लव इंडिया वी आर सोडा मशीन, काफ़ी अच्छा इसका लुक दिया गया कंपनी ने। यहाँ का लाइट में आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हो रहा है। बैक साइड में गोल्डन शीट दिया गया है और आगे ब्लैक दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा ब्लैक पियागो फिनिश में कंपनी का शो लग रहा है। मशीन का मैं आपको पूरा विजिट करके बताऊँगा, आप देख सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी वर्जन, काफ़ी बेहद क्वालिटी वर्जन, बेस्ट सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन बड़ा मशीन ने डेवलप किया है, आप देख सकते हैं। मशीन की क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2023 की जो मशीन है उसमें काफ़ी अपडेट वर्जन दिया है कंपनी ने। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको इसका सॉफ्टी कौन भर के बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी ने स्टैंड दिया गया है सॉफ्टी कौन रखने के लिए, मैंने कौन निकाल लिया। अभी हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम फिलअप करते हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर आइसक्रीम फिलअप हुआ है। कंटिन्यू वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आइसक्रीम की हार्डनेस कम होगी तो ये गिर जाएगा। तो ये टाइप की बेहतर सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदी है, जो बेस्ट क्वालिटी की सॉफ्टी आइसक्रीम हो। ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम, इसकी जो ऊपर की जो आप नॉब है वो देख सकते हैं। प्योर क्वालिटी वर्जन आइसक्रीम निकल रहा है अभी मशीन के अंदर से। अभी मैं आपको जाम वाला आइसक्रीम भर के बताऊंगा मशीन के अंदर से। हाई बोलूँ ये जाम का ऑप्शन हमने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। जाम वाली हर्षीज चॉकलेट वाली सॉफ्टी आइसक्रीम आ रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। अब हम निकालेंगे 2-in-1 आइसक्रीम, आप देख सकते हो 2-in-1 आइसक्रीम कितनी बढ़िया तरीके से स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का पूरा कॉम्बिनेशन है। और हमारी कंपनी का पूरा स्टाफ आइसक्रीम का एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम स्ट्रॉबेरी के अंदर से रिम्पल वाला जेली वाला आइसक्रीम निकालेंगे। ये स्ट्रॉबेरी के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ टच करने पे ही, एक टच करने पे सीधा चॉकलेट वाला आइसक्रीम बाहर आ गया स्ट्रॉबेरी का। काफ़ी बेहतर क्वालिटी का अच्छा आइसक्रीम निकला हुआ है मशीन के अंदर है। तो ये टाइप की बेस्ट आइसक्रीम अगर आप बेचेंगे तो कस्टमर की आपकी दुकान के बाहर भीड़ लगना जरूरी है, पक्की बात है ये। अभी हम निकालेंगे विदाउट रेमबो, ये बिना चॉकलेट वाला, बिना चॉकलेट वाला आइसक्रीम है ये, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन दिया गया है, इसको पुश करने पे आपका ऑटो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा क्लीन करने के लिए। यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन दिया गया है, ये स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर स्क्रीन दिया गया है जो मल्टी कलर में स्क्रीन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन ने हार्डनेस 0-0 कर दिया है, कंप्लीट हार्डनेस कर दिया है 5 का, ठीक है। और यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है, नाइट मोड अगर आप करेंगे तो ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है उसका पूरा इंडिकेटर है, अगर आपका प्रोडक्शन आधा होगा तो ब्लू पे रहेगा, अगर अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो रेड पे रहेगा। रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 ऑप्शन इसके अंदर है। प्रोडक्शन आपका रेडी हो गया है। अभी मशीन बता रहा है मशीन के अंदर कितना कप बिका है, 67 कप बिका है वो बता रहा है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे बता रहा है वोल्टेज, मशीन अभी 225 वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। और मशीन की इनसाइड में कितना कूलिंग है वो भी यहाँ पे आपको बताएगा ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्री कूलिंग का, नाइट मोड पे अगर आपको मशीन रखना है तो प्री कूलिंग का आप ऑप्शन पुश कर देंगे तो नाइट मोड पे मशीन हो जाएगा। और ये जाम का है, लेफ्ट साइड का जाम है, राइट साइड का जाम का सेटिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका पफ ग्रेविटी का दिया गया है। एक्चुअल में ये मशीन के अंदर 2 ऑप्शन है, मशीन में इंक्लूडिंग भी पफ ग्रेविटी होता है, सेटिंग का बटन भी दिया गया है, और मशीन में
एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पॉप ग्रेविटी होता है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम का स्विच यहाँ पे लगाया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको मशीन के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, जैसे मशीन का जो ये ऊपर का जो टॉप है वो स्टेनलेस स्टील 304 का है, 1.5 mm का ये पूरा परफेक्ट हैवी ड्यूटी हैवी गेज में ऊपर का टॉप लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो हम वर्कआउट करेंगे यहाँ पे आइसक्रीम लगने का या भी कोई भी चीज़ आपका गिरने का रहता है, तो इसको सफाई एकदम क्लीनिंग से हो, इसके लिए हमने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर हमारा जो बाउल रहता है जो 6 लीटर का है ऊपर, उसका पूरा पफिंग सिस्टम आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी वर्जन पफिंग किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वायरिंग का क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये पूरा वायरिंग का क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा चैम्बर दिया गया है और यहाँ पे इसका गेयर बॉक्स दिया है और यहाँ पे इसका मोटर दिया गया है, 1.5 HP का यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। ठीक है, मशीन के अंदर आपको मोटर वगैरह सारी चीज़ की हम जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स। और ये पूरा वायरिंग बॉक्स दिया गया है, ये सर्किट है जो हमारा बाहर जो टच पैनल स्क्रीन है उसको ऑपरेट करता है, पूरी मशीन को यहाँ से ऑपरेटिंग होता है। पूरा इसका वायरिंग जंक्शन है, इसे PCB बोर्ड बोलते हैं, वायरिंग पैनल बोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इसका कॉम्प्रेसर दिया हुआ है, 1.25 टन का कॉम्प्रेसर इसके अंदर लगा हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप कंडेंसर देख सकते हैं, कंडेंसर की क्वालिटी देख सकते हैं, कंडेंसर 12-13 रो का कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ है और एयर मास्टर का इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का एक्सल का फैन लगा हुआ है। आप फैन की भी क्वालिटी देख सकते हैं, कंडेंसर की क्वालिटी देख सकते हैं। मशीन को हैवी ड्यूटी गैल्वेनाइज के चैनल के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर किया गया, आप देख सकते हैं ये भी पूरा गैल्वेनाइज का पूरा चैनल है, ये 2 mm का चैनल है, आप देख सकते हैं इसकी जड़ाई, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप। ये पूरा चैनल के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया और साइड में मशीन की यहाँ पे पूरा एंगल दिया गया है, इन साइड में एंगल दिया गया है, ये पूरा एंगल के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। अब 1x1 स्टेप देख सकते हैं, 1, 2, 3 तीन स्टेप पे पूरा मशीन खड़ा किया गया है। साइड में भी पूरा जो गेयर बॉक्स है, यहाँ को गेयर बॉक्स है उसका अगर हलन चलन परफेक्ट रहेगा, फिटिंग परफेक्ट रहेगा तो आपको कोई कंप्लेन का इश्यू नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं गेयर बॉक्स को भी काफ़ी अच्छी बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिटिंग किया गया है। ठीक है, हमने मशीन का आपको पहले राइट साइड बताया था, अब मैं आपको लेफ्ट साइड बताता हूँ। आप देख सकते हैं वही यहाँ पे ऊपर जो हमारा हुपर रहता है 6 लीटर का, उसका पफिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, गेयर बॉक्स यहाँ पे है और यहाँ पे चैम्बर है उसका जो आइसक्रीम जिसके अंदर बनता है। ठीक है, ये यहाँ से पूरा इसका सिस्टम आएगा, ये जो कैपलरी है ये हुपर को कूलिंग देता है, 2 हुपर को कैपलरी कूलिंग देता है। यहाँ से नीचे हम आएंगे तो ये 2 पंप दिए गए, जो आप आगे जो जैम निकालते जो जेली निकालते उसके 2 पंप है। और यहाँ पे कॉम्प्रेसर है, 1/2 टन का कॉम्प्रेसर लगा हुआ है, नाइट होने पे मशीन को अगर आप नाइट ऑप्शन देंगे तो छोटा ही कॉम्प्रेसर चलेगा, यानी बिजली का जो खर्च है वो आपका कम आएगा। और अगर आपको बिक्री ज़्यादा है तो दोनों ऑप्शन आप स्टार्ट करके, दोनों कॉम्प्रेसर स्टार्ट करके आप चला सकते हो, तो कूलिंग का रेशियो फास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मशीन का वाइब्रेशन कंट्रोलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे जो रबर का इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं पूरा क्वालिटी वर्जन मशीन हमने डेवलप किया है 2023 का, एकदम बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये प्लेट की क्वालिटी तो मैंने आपको पहले ही बता दी, 2 mm की क्वालिटी है। ड्राई फिल्टर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, सोलोनेट वाल यहाँ पे यूज़ किया गया है, 2 सोलोनेट वाल है। आप सोलोनेट वाल की भी क्वालिटी देख सकते हैं फ्रेंड्स, वायरिंग की जो फिनिशिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मशीन के टायर की आप क्वालिटी देख सकते हैं। मशीन का टायर इजीली एक हाथ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लॉक सिस्टम वाले टायर दिए गए यहाँ पे। फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है आप अच्छी क्वालिटी की मशीन परचेस कीजिए, ताकि मशीन आपकी अच्छी होगी तो जब आप बिक्री करेंगे सॉफ्टी इसमें से बेचेंगे सेल करेंगे तो वो टाइम के आपको आपकी मशीन साथ दे, ऐसी मशीन परचेस कीजिए। और जो कस्टमर को आप कौन दे रहे हैं तो वो कस्टमर से आप 20 rupees, 10 rupees, 30 rupees जो भी आप पैसा ले रहे हैं तो उसका भी पैसा वसूलो, यानी उनको भी अच्छी क्रीमी सॉफ्टी आइसक्रीम मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो मैंने मशीन दिखाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि मशीन आपको अच्छी लगी होगी। और जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए उनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए मशीन की ज़्यादा जानकारी के लिए। हमारे पास काफ़ी अलग अलग सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, हमारे पास काफ़ी रेंज में सॉफ्टी आइसक्रीम है, आपको जो टाइप की मशीन चाहिए वैसी हमारे पास मशीन मिल जाएगी। ये 2023 का मिस्टर सॉफ्ट काफ़ी अच्छा क्वालिटी वर्जन हमने डेवलप किया है। और वी आर सोडा मशीन के पास काफ़ी अलग अलग रेंज है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास स्लश मशीन में काफ़ी अच्छी रेंज है, 3 फ्लेवर का स्लश है, 2 फ्लेवर का स्लश मशीन है,
सिंगल का स्लस है, जूस मशीन है, पॉपकॉर्न मशीन है, कॉटन कैंडी मशीन है। तो ये टाइप की मशीन परचेस करने के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया फ्रेंड्स, तुरंत ही कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी आर सोडा मशीन। थैंक यू फ्रेंड्स।